असलम स्टूडेंट्स आज हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं ब्लास्ट से रिलेटेड कि हम लोग किस तरीके से लोकल ब्लास्ट जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं उसको किससे इस्टैब्लिश करना है और इसको किस तरीके से हम लोगों ने परफॉर्म करना है ये चीज़ें जो है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है वो लोकल डाटा बेस इस्टैब्लिश कर सकते हैं लोकल डाटा बेस की इस्टैब्लिशमेंट से मुराद ये है कि हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस हैं और वो हमारे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोडेड फॉर्म में हैं और उन सीक्वेंसेस के में से सर्च करना है हम लोगों ने अपने क्यूरी प्रोटीन के होमोलॉग्स को ठीक है कि हमारी जो क्यूरी प्रोटीन है वो आ, हमारे कंप्यूटर में मौजूद जो होम सिक्वेंसिस का सेट है उसमें कौन कौन से होमोलॉग के साथ जो है वो कितना कंपैटिबल है किस तरह से वो कंपेयर होता है ठीक है अब इसी तरीके से हम लोग जो यूजुअली ब्लास्ट करवाते हैं वो ऑनलाइन एन का जो ब्लास्ट होता है एन का जो डाटा होते हैं प्रोटीन डाटा बेसिस न्यूटा जितने भी उसके ई या जितने भी डाटा हैं उनके अगेंस्ट हम लोग परफॉर्म करवाते हैं सो यहाँ पर हम लोग जो है वो आ, डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम लोग इस तरह से एक लोकल डाटा बेस पहले स्टैब्लिश कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और दैन फिर उसके अगेंस्ट जो है ना वो हम लोग ब्लास्ट परफॉर्म करवा सकते हैं अच्छा जी अब डेटा बेस इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है ना वो आपको चाहिए सिकवेंसेज चाहे वो निक्लोटाइट के सीकुनस हो चाहे वो प्रोटीन के सीकुनस हो वो आप लोग एन से भी ले सकते हैं ठीक है एन से भी ले सकते हैं और आप लोगों के पास कुछ अपने भी जो है ना वो सिक्वेंस हो सकते हैं लेट से आपने जो है ना वो होल जीनोम सिकवेंस करवाई है मल्टीपल जो है वो सिक्वेंसिस की या मल्टीपल जो है वो रीजनस की आप लोगों के पास जो है वो सिक्वेंस मौजूद हैं उन तमाम सिक्वेंस को आप लोग जो है ना वो एक फ़ाइल के अंदर एक फास्ट ए फाइल के अंदर जो है वो कंपाइल अप करके रख सकते हैं और उसको फिर आप लोग जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डेटाबेस ठीक है सो so, अभी एनसीबीआई से हम लोग किस तरह से पर्टिकुलर डेटाबेस को जो है वो फेच कर सकते हैं उसके बारे में जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर जी तो एनसीबीआई से फेचिंग के लिए जो है ना वो आप लोग क्या, लो क्या, क्या करना है जीके गूगल के ऊपर जाकर लिखना है एफटीपी एनसीबीआई ठीक है जब आप एफ टी पी एनसी बी आई लिखेंगे तो आपके पास ये पहली साइट आएगी इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ना वो तमाम रिसोर्स मिल जाएंगे जो कि डाटा बेस के लिए आपके पास आपको चाहिए ठीक है जैसे यहाँ पर कुछ ऑलरेडी बने बनाए जो है ना वो डाटा बेस मौजूद हैं ठीक है सपोज आप लोगों को जो है ना वो ब्लास्ट के लिए चाहिए तो आप लोग यहाँ से जो है ना वो ब्लास्ट के डेटाबेस के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे ठीक है ब्लास्ट का डाटा बेस आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं सो so, इसके बाद जो है ना वो आपके पास ये एक लिस्ट आ जाएगी इसमें सपो आ, आप लोग जो है वो डाटा बेस चाह रहे हैं डाटा बेस के ऊपर क्लिक करेंगे <coughs> यहाँ से देख सकते हैं आप लोग के डेट्स में हैं वो मॉडिफाई होती रहती हैं टाइम टू टाइम जब जो ये डाटा जो हैं वो आ, आ, अपडेट होते हैं जी तो यहाँ से हम लोगों को जो है ना वो फास्ट ए सीक्वेंस की फॉर्म सिक्वेंसिस की फॉर्म में डाटा बेस जो है ना वो चाहिए आ, उनके वो हम लोग क्लिक करेंगे अब यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी लिस्ट आ गई है इसमें से आप लोग जो है ना वो अपनी मर्जी का कोई भी डाटा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं न्यूक्लोटाइट बेसिस भी हो सकते हैं पी से रिलेटेड डाटा बेस भी आ, के गए वाला डाटा भी हो सकता है स्विस प्रॉड का स्विस प्रॉड ये जितने भी आप डाटा हैं इनको आप लोग जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं और उनको बाद में जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं सो ये तरीका था हमारे पास जो है वो एन से बी आई से डेटा बेस को लेने का अब आते हैं बात ये कि आपके पास जो है ना वो कुछ सिक्वेंस हैं जो कि आपके अपने जो है ना नो पास कुछ फास्ट एक ही फॉर्म में जो है ना वो सिक्वेंसिस पड़े हुए हैं ठीक है उनको हम लोग किस तरह से स्टेब्लिश कर सकते हैं लेट्स से कि हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो ये कुछ एक सिक्वेंसेज थे जो कि हमारे पास जो है ना वो इस फॉर्म में पड़े हुए है। हैं डिफरेंट मल्टीपल सिक्वेंसिस हैं ठीक है काफ़ी हज़ारों के हिसाब से ये सीक्वेंस जो है मेरे पास ऑलरेडी प्रोटीन के जो है ना वो पड़े हुए हैं ठीक है हम देखते हैं कि इस सीक्वेंस को जो है ना इस सीक्वेंस सेट को हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू डाटा बेस और कैसे हम लोग जो है उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं जी तो इसी की मैंने जो है ना वो एक कॉपी बना ली हुई है जस्ट सिंपल इसको जो है ना इसी चीज़ को हम लोग मैंने कॉपी और पेस्ट करके डाटा के नाम से जो है यहाँ पर लिख लिया हुआ है ठीक है अच्छा जी ये कुछ भी नहीं है और मज़ीद सिर्फ एक फास्ट ए फाइल ही है आ, जो कि हम यूज़ करेंगे डेटाबेस की फॉर्म में अच्छा जो मैं आ, नेक्स्ट जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो है जी कि हम लोग जो है ना वो इसकी डाटा बेस की स्टैब्लिशमेंट किस तरह से पहले बात करें हम लोग डाटा बेस की स्टैब्लिशमेंट किस तरह से करेंगे अच्छा जी डाटा बेस की स्टैब्लिशमेंट के लिए जो है ना मैं यूज़ करने जा रहा हूँ टूल आ, बायो एडिट ऑनलाइन अवेलेबल टूल है आ, फ्रीली अवेलेबल है इंतहाई यूज़र फ्रेंडली है आ, इसको आप लोग जो है ना वो डाउनलोड करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं लोकल ब्लास्टिंग के लिए अच्छा जी किस तरह से हम लोगों ने डाटा बेस को पहले मेनटेन करना है इस टूल के अंदर ये एक्सेसरी एप्लीकेशनस है यहाँ पर ब्लास्ट ऑप्शन है ब्लास्ट के ऑप्शन में यहाँ पर आ रहा है जी के क्रिएट अ लोकल प्रोटीन डेटाबेस फाइल और क्रिएट अ लोकल न्यूक्रोटाइड डेटाबेस फाइल अब अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर वो हम लोग प्रोटीन को लेके करने जा रहे हैं इसलिए हम लोग प्रोटीन डेटाबेस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे अब ये जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से पूछेगा कि आप किस फाइल को एज ए डेटाबेस यूज करना चाह रहे हैं अब चूंकि ये मैंने जो सिक्वेंस uh, है ना ये मैंने उनको फास्ट ए की फॉर्मेट के अंदर जो है वो ऑलरेडी सेव किया हुआ है सो so, मैं इसके ऊपर क्लिक करके जो है ना वो जस्ट एक पाथ दे दूंगा इस सॉफ्टवेयर को कि वो इस फाइल को जो है वो यूज करे एज ए डेटाबेस ये अब उसने जो है ना वो प्रोग्रामिंग के थ्रू उसका अपना पाथ को जो है वो अलाइन uh, कर कर लिया है ठीक है so, सो यहाँ से इस तरीके से हम लोग जो है वो डाटा बेस को इस्टेब्लिश करते हैं फ्राम आवर ऑन सिक्वेंसेज ठीक है कि हमारे पास एक सेट ऑफ सिक्वेंसेज है उसको हम लोगों ने इस तरीके से जो है वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर पाथ दे के उसको जो है वो फास्ट uh, ए की फॉर्म में हम लोगों ने इसको सेव किया हुआ है और उसने जो है उसको uh, डाटा बेस के तौर पर कंसिडर किया है अब उस फाइल को अच्छा जी नेक्स्ट आ रहा है जी कि हाउ टू परफॉर्म लोकल ब्लास्ट अगेंस्ट योर ऑन डाटा बेस अब जो हम लोगों ने वो फास्ट ए फाइल जो स्टैब्लिश की है अपनी प्रोटीन सिक्वेंस की उस उसको, उसको हम लोग अब डाटा बेस के नाम से जान रहे हैं जो हमारा अपना क्रिएटिड डाटा बेस है अब उसके अगेंस्ट हम लोग जो है ना वो ब्लास्ट करवाने जा रहे हैं सो so, किस तरीके से हम लोग जो है ना इस ब्लास्ट को परफॉर्म करेंगे देखते हैं अगेन बायो एडिट सॉफ्टवेयर से ही हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे सबसे पहले हम लोग ब्लास्ट आ, जो है वो आ, ब्लास्ट के ऊपर क्लिक करेंगे देन आएगा दी लोकल ब्लास्ट अब लोकल ब्लास्ट में यहाँ पर जो है ना हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं ठीक है अब चूंकि सबसे पहला ऑप्शन है जी कि आप कौन सा ब्लास्ट जो है ना वो करवाना चाह रहे हैं हम सबसे पहले हम लोग जो है चूंकि मैं प्रोटीन डेटा बेस इस्टेब्लिश किया था, था तो प्रोटीन जो है ना वो ब्लास्ट यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ब्लास्ट पी की फॉर्म में अब यहाँ पर जो है मुझे वो क्यूरी को पेस्ट करना है जो हम लोग जिस सीक्वेंस को हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं लेट्स से मेरे पास ये कुछ क्यूरीज हैं मैं इसमें से एक जो है ना वो प्रोटीन लेता हूँ बल्कि मैं विदाउट हैडर इसको जो है ना वो क्लिक करता हूँ कॉपी और देन मैं जो है ना वो इस बॉक्स के अंदर इसको <coughs> जी तो ये मैंने जो है वो अपनी प्रोटीन को जो है वो सीक्वेंस को पेस्ट कर दिया यहाँ पर क्यूरी बॉक्स के अंदर आ, देन नेक्स्ट पार्ट आ रहा है जी हमारे पास के आउटपुट फाइल का नेम आप लोगों ने क्या रखना है जो रिजल्ट्स आएंगे उसको आप लोगों ने किस तरह से और कहाँ पर सेव करना है यहाँ पर आप लोग जो है ना वो अपनी मर्जी से कुछ भी लाइक आउटपुट रिज़ल्ट के नेम से जो है ना वो सेव कर सकते हैं अपने किसी भी गिवन फोल्डर के अंदर ये रिजल्ट को जो है वो उस पाथ के अंदर जो है वो जाकर सेव कर देगा इसी तरह से ई वैल्यू के हवाले से आ रहा है ई वैल्यू जो है अगर आप लोग का डेटा छोटा है तो इस ई वैल्यू की आ, जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो आप लोगों को चेंज करना पड़ेगी इसी तरह से आप लोगों ने यहाँ पर जो बाई डिफ़ॉल्ट आपको प्रोग्राम नजर आएगा वो ब्लॉसम 62 होगा अब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं लेट से मैं इस क्यूरी इस कंडीशन के अंदर इस एग्जांपल के अंदर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे ये पता लग जाए कि क्या ये पर्टिकुलर रीजन या ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो हमारे जो अपना डाटा है जो लोकल डाटा बेस है उसके अंदर ये वाला प्रोटीन मौजूद है कि नहीं है मैं सिर्फ मैच फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जो है ना वो मैट्रिक्स मैच को जो है ना वो यूज करूंगा और दैन जो है वो सिम्पली uh, जो है वो बाकी सारी चीज़ों को डिफॉल्ट रहते हुए uh, मैं इसको जो है ना वो रन कर दूँगा विद अ फ्यू सेकेंड्स जो है ये मुझे रिजल्ट uh, जो है वो शो करवा देगा अब इन रिजल्ट के अंदर जो है ना uh, वो मेरी जो फाइल है uh, वो सेव हो जाएगी फ़ाइल सेव हो जाएगी मेरी वाली यहाँ पर आउटपुट रिजल्ट्स की फॉर्म में यहाँ से मैं इसको जो है ना वो ओपन कर लूँगा नोट के ए, के अंदर और देन जो है ना मुझे यहाँ से उसके रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रोटीन सीक्वेंस मेरी क्यूरी सीक्वेंस थी वो हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद है और उसने जो हिट मुझे दी है उस हिट की ये सारी परसेंटेज आइडेंटिटी और ये सारे वो पैरामीटर्स मौजूद हैं उसका स्कोर अवेलेबल है और देन उसने मुझे जो है ना वो हमारी डाटा के अंदर जिस टाइटल से वो सेव हुआ हुआ है वो टाइटल भी मुझे जो है वो उसका निकाल के दे दिया है मैं यहाँ से अब अपने इस टाइटल को कॉपी करके अपने डेटाबेस में से जो है ना वो सर्च कर सकता हूँ कि वो कहाँ पे मौजूद है ये इस तरीके से उसने जो है वो मुझे अब सिर्फ और सिर्फ एक ही आ, हिट मौजूद है मेरी प्रोटीन क्यूरी के अगेंस्ट तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटीन जो है वो यहाँ पर आई है सो so, अः इस तरीके से जो है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोकल डाटा बेसिस को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं और किसी भी क्यूरी प्रोटीन को जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी की हम लोग किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं दो सेट्स ऑफ को टू डिफरेंट सेट्स ऑफ लेट्स से हमारे पास जो है ना कोई प्रोटीन्स थी जिनको हम लोगों ने रेफरेंस के तौर पर यूज करना था इसी तरह से हमारे पास कुछ जो है ना वो ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फिफ्टी लेट से फिफ्टी जो है वो हमारे पास प्रोटीन का सेट है जो सेट ए है जिसमें जिसको हम लोगों ने रेफरेंस के तौर पर यूज़ करना है हम उसको जो है वो डेटाबेस के तौर पर आ, पाथ दे देंगे अपने बायोडिट सॉफ्टवेयर के अंदर और जिस सेट को हम लोगों ने कंपेयर करवाना है जिसको हमने फाइंड आउट करना है कि क्या ये वाली पर्टिकुलर आ, प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं या नहीं हैं उनको हम लोग जो है वो क्यूरी uh, के बॉक्स के अंदर जो है वो इनपुट कर देंगे देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है ना वो इसको कर सकते हैं अच्छा जी अगेन हमारे पास जो है वो ये बायोडेट है बायोडेट में सबसे पहले आ जाएगा कि डाटा हम लोग जो है ना वो आ, कौन सा ब्लास्ट करना चाह रहे हैं ब्लास्ट के डाटा कौन सा इस्टाब्लिश करना चाह रहे हैं मैं वो प्रीवियस डाटा को ही यूज़ करूँगा और उसमें से आ, और दूसरे एक सेट है हमारे पास उसको मैं आ, जो है ना वो यूज़ करने की कोशिश करूँगा लाइक like, सबसे पहले जो है Like मेरे पास यहाँ पर जो है ना वो एक डेटाबेस है जिसको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ एक डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोटीन से यहाँ पर सपोज मेरे पास जो है वो फाइव के करीब जो है ना वो क्यूरी प्रोटीस हैं ये नंबर चेंज भी हो सकता है मैं अब इन दो डिफरेंट सेट्स को जो है ना वापस में कंपेयर करूँगा और फाइंड आउट करना चाहूँगा कि ये वाली फ़ाइव क्यूरी प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे इस डाटा बेस के अंदर मौजूद हैं या नहीं हैं ठीक है तो उसके लिए अब मुझे ये पता है क्योंकि मैंने ये खुद सेट की है तो मुझे पता है इस फाइव में से जो है ना सिर्फ और सिर्फ तीन अवेलेबल हैं जो अवेलेबल नहीं होगी वो हिट जो है वो हमारे रिजल्ट के शो नहीं होगा ठीक है सो so, देखते हैं कि ये किस तरह से हम लोग जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं अगेन uh, बायोडिट में आए हम लोग बायोडिट में आके ब्लास्ट लोकल ब्लास्ट को ओपन किया यहाँ से हम लोग ब्लास्ट पी करवाना चाह रहे हैं उसको कर दिया uh, हम लोग जो है ना वो फाइल uh, अपलोड करना चाह रहे हैं यहाँ से हम लोगों ने वो क्यूरी वाली फाइल जो है वो अपलोड कर दी uh, हम लोग मैच मैट्रिक्स uh, को यूज़ किया और देन इसको हम पाथवे को सपोज नहीं करते जब हम लोग सर्च का बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो रिजल्ट्स आ जाएंगे अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे हमें जो रिजल्ट्स के अंदर मिले हैं वो कितने हिट्स मिले हैं नंबर वन हिट नंबर टू हिट एंड नंबर थ्री हिट इसके अलावा हमें जो है ना वो कोई हिट नहीं मिला मैंने इसमें पहले बताया था कि उन फाइव में से आ, मुझे ऑलरेडी पता था कि वो जो फाइव में सिर्फ और सिर्फ ही प्रेजेंट हैं तो इसने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मैचेस को जो है वो हमें बताया है बल्कि बाकी जो दो थे उनके बारे में उसने बता दिया है कि इसमें हमें जो है वो कोई हिट मुझ नहीं मिला उन क्यूरी प्रोटीन्स के अगेंस्ट ठीक है सो so, ये दो वो क्यूरी प्रोटीन्स थी एक सबसे लास्ट वाली थी और एक थर्ड नंबर पर थी उन फाइव में से जो कि जिनके अगेंस्ट हमें जो है वो कोई भी हिट नहीं मिला सो so, यहाँ से हम लोग जो है वो अपने उन डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोटीन्स को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं डाटा uh, के अंदर और इस तरीके से हम लोग जो है वो लोकल डाटा को परफॉर्म कर सकते हैं होप्स uh, हो कि आप लोगों को जो है ना वो uh, समझ आई होगी अगर किसी चीज़ की uh, बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिएगा हम लोग उसको जो है वो एड्रेस करेंगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो so मच